विकसित भारत संकल्प पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता से सुझाव मांगे। इस विषय को लेकर आज भाजपा कार्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर पूरी जानकारी दी है। पत्र के सुझाव के लिए एक अभियान चलाया गया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मनसानुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसानुरूप आम जन के बीच में विकसित भारत संकल्प पत्र को लेकर इस अभियान को चलाया गया कि आम जन की इस पत्र में क्या सुझाव हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारा देश कैसे विकसित और विकासशील बने, इसके लिए आमजन, एक एक कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से, देश के युवाओं के माध्यम से, देश की महिलाओं के माध्यम से, देश के सभी वर्गों के माध्यम से विकसित भारत के लिए क्या क्या सुझाव आ सकते हैं, एक एक आमजन से, एक एक मतदान केंद्र से लेकर जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, सभी की सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर, एक एक मतदान केंद्र पर, एक एक विधानसभा स्तर पर यह सुझाव पेटियों का माध्यम से लोगों से, आमजन से सुझाव पत्र मांगे गए हैं। साथ में जहां जहां बैठकें होती हैं वहां सुझाव पेटी रखी जाएंगी, जहां जनसभाएं होंगी वहां सुझाव पेटी रखी जाएंगी और हर वर्ग अपना विचार और अपना प्रश्न रख सके। माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह विजन है कि हर व्यक्ति का, भारत देश के एक एक आम जन का सुझाव इस मत पेटी में आए, जिससे इस देश को विकसित और भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाया जा सके। राव अजय प्रताप यादव ने बताया है कि विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए आमजन से सुझाव मांगे गए हैं और इस हेतु अभियान भी चलाया जा रहा है। 8 मार्च से 12 मार्च तक यह अभियान बूथ स्तर तक चलाया जाएगा और अच्छे सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल भी किया जाएगा। अशोकनगर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए आशीष मालवीय की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।